दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। प्रेसि हमें पता है कि पार्लियामेंट में तीन सदनें होती है, दो सदन होती है, राज्यसभा और लोकसभा, और प्रेसिडेंट भी होता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट यानी संसद का भाग होता है कि नहीं, तो आंसर होगा कि पार्लियामेंट यानी प्रेसिडेंट संसद का इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट, एक पार्ट होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संसद का पार्ट होता है। तो दोस्तों, 5 पॉइंट्स, जैसे कि आप 5 पिक्चर्स देख रहे हो, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन से कारण हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट यानी संसद का एक भाग है। तो पहला पहला जैसे पिक्चर देख रहे हो कि BPL, तो इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि BPL मतलब कोई बिल, अगर उसे लॉ बनाना है, कोई बिल को अगर लॉ बनानी है तो आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल कंपलसरी है। आप विदाउट प्रेसिडेंट कोई भी बिल को लॉ नहीं बना सकते। तो BPL दोस्तों, BPL यानी बिल प्रेसिडेंट लॉ, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। पी मतलब प्रेसिडेंट, पी मतलब बिल, एल मतलब लॉ। तो दोस्तों, BPL मतलब बिल को, अगर बिल को लॉ बनानी है आपको, तो प्रेसिडेंट की अनुमति चाहेंगे। अब जैसे कि तो कहा गया है कि बिल पास्ट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब देख रहे हो कि सेकंड पॉइंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर्स को बोथ दी हाउसेज राज्यसभा लोग को समन एंड प्रोरोग करता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि एक चाय की कप है, तो प्रेसिडेंट जो सेशन होता है, जैसे कि दोस्तों समन करता है जो सिटिंग वगैरह वगैरह होती है, जैसे कि, तो वे सारे चीज़ों को प्रेसिडेंट समन करता है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि भाई लोकसभा, भाई राज्यसभा, दोस्तों हम रोज राज्यसभा लोकसभा को व्यक्ति के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। मान लेते कि राज्यसभा एक व्यक्ति है और लोकसभा भी व्यक्ति है, तो प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों को कह रहा है कि हमें मुझे तुम्हें समन करना है और प्रोरोग भी करना है। तो दूसरी हो गई, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है। जो तीसरी है कि डिजॉल्व द लोकसभा, तो देख रहे हो कि ये जो तीसरा तीसरा व्यक्ति है, देखो ये रो रहा है, इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दोस्तों कि ये व्यक्ति रो रहा है, किस लिए रो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इस व्यक्ति को डिसॉल्व कर दिया है। और ये व्यक्ति कौन है, कोई नहीं, लोकसभा है। तो लोकसभा को प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया है। इसे अब बताओ कि अगर लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर ने प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दिया है, और या फिर करके पहला पॉइंट जो देख रहे हो कि बिल को लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट, या फिर समन और प्रोरोग करता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, यानी दोनों भाइयों को, लोकसभा राज्यसभा को, तो डेफिनेटली इसीलिए प्रेसिडेंट को एक पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। चौथी पॉइंट देखते हैं, तो अब मान देख रहे हो कि राज्यसभा और लोकसभा और एक घर दिख सकता है जिसमें एक खिड़की है और एक दरवाज़ा है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि दोस्तों प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस हाउस दोनों सदनों को एड्रेस करता है कि यार तू लोकसभा है, तू राज्यसभा है। एड्रेस एड्रेस मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति किसी एड्रेस पे ही रहता है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो किसी एड्रेस पर ही रहता है। अगर उस व्यक्ति से आप पूछोगे कि भाई तेरा घर कहाँ पर है, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मेरा घर उस जगह पर है, तो उस जगह को एड्रेस कहा जाता है। इसी तरह प्रेसिडेंट भी राज्यसभा और लोकसभा को एड्रेस करता है। और फाइनल अब देखो कि प्रेसिडेंट इश्यूज ऑर्डिनेंसेज व्हेन दे आर नॉट इन सेशन। तो अब देख रहे हो कि ये राइट साइड में जो पांचवी नंबर पॉइंट है, राइट साइड में देखो दो व्यक्ति है, दोनों घूमने गए हैं, यानी दोनों व्यक्ति घूमने गए हैं। तो अब देख रहे हो कि जब ये दोनों व्यक्ति घूमने गए हैं, इसका मतलब
घर पर नहीं है, तो प्रेसिडेंट इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब देखो, एक एक कागज़ में प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट, ये जो कागज़ दिख रहा है आपको फिफ्थ नंबर पॉइंट में, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना, यानी लॉ बना रहा है कि दे इशू ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों भाई ये दोनों घूमने गए हैं, तो इसका मतलब कोई नहीं है सेशन में, तो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाते हैं या फिर लॉ बनाता है। तो दोस्तों ये जो फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहेगा, और इसी वजह से प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट नहीं तो प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं तो पार्लियामेंट नहीं। आई होप आपको याद रह जाएगा ये पॉइंट। दोस्तों थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।